केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जशपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रमा पर चंद्रयान भेजा तो उस पॉइंट को शिव शक्ति पॉइंट नाम देकर भगवान शंकर के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का काम किया और यहां कांग्रेस की सरकार ने महादेव ऐप से जोड़कर सट्टा खोलने का काम किया। अरे भाई, काम से कम महादेव को तो छोड़ देते, आज बच्चा बच्चा कह रहा है सट्टे पे सट्टा कौन कर रहा, तो भूपेश काका। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पहला चरण खत्म हो चुका है। कल रात मेरी रायपुर में बैठक थी, ये तय है कि आने वाले दिनों में यहाँ बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। मित्रों, छत्तीसगढ़ में पहले चरण का चुनाव हो गया है। मैं कल रात को ही रायपुर में मीटिंग कर आया हूँ। पहले चरण में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। ये निश्चित हो गया है कि छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मित्रों, छत्तीसगढ़ प्रभु श्री राम का ननिहाल है। मुझे बताओ माताओं, भाइयों, बहनों, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? कांग्रेस सरकार 70 साल से राम जन्मभूमि को अटका रही थी, भटका रही थी, लटका रही। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने राम मंदिर का भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी 2024 को राम जन्मभूमि का प्राण प्रतिष्ठा भी करने वाले। और आप चिंता मत करो, भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि जिनके पास बीपीएल कार्ड है वो सभी को बारी बारी अयोध्या दर्शन कराने का काम छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। माताओं, भाई और बहनों, राहुल बाबा हमें कहते थे कि तिथि कब बताओ। लो राहुल जी बता दी, 22 जनवरी 2024। मुझे मालूम है आप तो दर्शन करने जाओगे नहीं, मगर बगीचा वालों, आप सभी लोग जाएंगे ना? जरा जोर से बोलो, जाएंगे ना? एक कांग्रेस सरकार के राज में अंधाधुंध धर्म परिवर्तन होने का काम रखा। मैं आपको वादा कर जाता हूं, ये जुदेव जी की भूमि है, यहां पर कोई भी आदिवासी भाई बहन का धर्मांतरण इसकी इच्छा के खिलाफ हम नहीं होने देंगे, उसको सुरक्षा। माताओं, भाई और बहनों, यहां पर जो राज रहा 5 साल, वो राज भ्रष्टाचार का राज रहा है। कि जो अध्यक्ष है, जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने ढेर सारे घपले घोटाले, हजारों करोड़। अंतर क्या होता है? केंद्र में मोदी जी की सरकार है, मोदी जी ने चंद्रयान भेजा चंद्रमा पर, तो वो पॉइंट का नाम शिव शक्ति पॉइंट देकर भगवान शंकर के श्रद्धा व्यक्त करने का काम किया। पर यहां कांग्रेस की सरकार, उन्होंने क्या करा? महादेव ऐप से जुअर क्या सट्टा खोलने का काम करा। अरे भाई, शर्म करो, शर्म करो, कम से कम महादेव को तो छोड़ देते। हजारों करोड़ रुपए का चावल भेजे उसमें गपला, आवास भेजे उसमें गपला, कोरोना का राहत भेजा उसमें गपला, हर गांव में आज बच्चा बच्चा कह रहा है सट्टे पे सट्टा
कौन कर रहा है? भूपेश कक्का। पूरा छत्तीसगढ़ कर रहा है। सट्टे पे सट्टा कौन कर रहा है? भूपेश कक्का। मित्रों, मोदी जी ने अभी अभी भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र घोषित किया है। हमने तय किया है कि धान के किसान का प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान 3100 रुपये में खरीदने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। यहां इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें बैठी हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हर माता बहन को 12,000 रुपया हर साल का देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार है।